चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ और है। टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन इक्वल टू प्लस टू कूलम क्यू टू इक्वल टू प्लस फोर कूलम आर प्लेस 0.1 mm अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस दिए गए हैं, एक चार्ज क्यू वन उसकी वैल्यू है 0.2 कूलम, दूसरा चार्ज है क्यू टू उसकी वैल्यू है 0.4 कूलम। दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। क्वेश्चन ये पूछा गया और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.1 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। अब कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट का मतलब ये पॉइंट ओ, यहाँ पर पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E1। व्हाट इज E1? E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू Q1। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 है क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू Q1। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 0.2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इस चार्ज से इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर पूरा डिस्टेंस है 0.1 तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर। और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 0.05 मीटर। पूरा डिस्टेंस अगर 0.1 है तो ये मिड पॉइंट पूछा गया, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 0.1 मीटर का हाफ, और 0.1 मीटर का हाफ कितना होगा? 0.05, और ये 0.05। तो आर स्क्वायर मतलब 0.05 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 0.2 अपॉन, इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा ये 0.00025 स्क्वायर करेंगे 25 1 2 3 4 पॉइंट, फोर डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। तो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁴। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ 2 upon 25 × 10³ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ इसके जो दो जीरो इसको दे दीजिए तो ये अगर 200, अब इसका एक जीरो बचा है 10 upon 25, 25 का डिवाइड करेंगे 25 से तो 8 हो जाएगा, 8 × 9 = 72, तो 72 × 10⁻⁹ 9 × 10, या इसको लिखेंगे 7.2 × 10⁻¹১ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज प्लस 0.2 कूलम एट पॉइंट ओ पर ये हो जाएगा। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 4 कूलम एट ओ, बोलिए क्या हो जाएगा? के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁻⁹ Q2 की वैल्यू बताइए 0.4 R स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर। इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, E2 इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ वैसे चार्ज डबल है तो ये इसका डबल आएगा। अब देख लीजिए 0.4 अपॉन 0.0025 ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 0.4 या 4 × 10⁻⁹ अपॉन 25 × 10⁻⁴ ना 1 2 3 4 10⁻⁴। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁴ ऊपर जाएगा प्लस 4 में से 1 माइनस होगा 10³ अपॉन 25 इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। अब इसके दो जीरो इसको दे दीजिए 400
अपॉन 25 इंटू 10, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा कितनी बार, 16 टाइम। तो 16 और 9 जाए 144, 144 इंटू 10 पावर 10, तो 14.4 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर कूलम। अब इस E2 की वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 14.4 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर कूलम आ गई, डायरेक्शन क्या होगा, ये चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ओर आती है, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन E2 की। अब बताइए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर देंगे, E1 की वैल्यू 7.2 है और E2 की वैल्यू 14.24 है, तो इसका मतलब है E2 ज़्यादा है, E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 का मतलब क्या हो जाएगा, 14.4 इंटू 10 पावर 11 माइनस 7.2 इंटू 10 पावर 11, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा, पहले पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। जो दूसरा पार्ट पूछा गया है, हम इसको रेज कर दे रहे हैं, दूसरे पार्ट में पूछा गया है ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द Q1 एंड Q2, ये Q1 है ये Q2 है, सच दैट इट इज 0.05 अवे फ्रॉम द Q2, Q2 से कितनी दूर पर पॉइंट है P, 0.05 मीटर Q2 से है ये डिस्टेंस, और तो Q1 से कितना डिस्टेंस है 0.15 मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पर, पॉइंट P पर, ये वाला चार्ज दिया गया है प्लस 0.2 कूलम, यहाँ पर दिया गया है प्लस 0.4 कूलम, ये दिया गया है। अब बताइए पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई वन की वैल्यू के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है 9 to 10 power 9, क्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, आर स्क्वायर आर की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 0.15 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 9 into 10 power 9, 0.2, 15 का स्क्वायर 225, 4 डिजिट के पहले जीरो लगेगा तो 0.25 ये हो जाएगा। अच्छा अब इसको आप लिख सकते हैं 9 into 10 power 9, 0.2, या इसको आप लिख सकते हैं 2 into 10 power minus 1, और इसको लिख देंगे आप 225 into 10 power minus 4, तो ये जाएगा 9 into 10 power 9, ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 2 upon 225 into 10 power 3, 10 power 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 9 into 2 upon 225 into 10 power 12 न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होगी E1 की, ये प्लस है चार्ज, प्लस चार्ज की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर जाएगा, ठीक है दूर जाएगा, ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी E1 की डायरेक्शन हो जाएगी। E2 क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा के Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 to 10 power 9, Q2 का मतलब हुआ 0.4 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब इस लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर। सो E2 इक्वल टू 9 into 10 power 9, 4 into 10 power minus 1, 5 into 10 power minus 4 ना, ये 5 into 10 power minus 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 into 3 इक्वल टू हो जाएगा 9 into 4 upon 25 into 4 में से 1 जाएगा 3 और 9 12 10 power 12 न्यूटन पर कूलम। E2 की वैल्यू बताइए, ये आगे डायरेक्शन क्या होगा, प्लस है इधर की तरफ होगा E2,
क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा ई वन प्लस ई टू, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई वन, वॉट इज वैल्यू ऑफ ई वन, ई वन की वैल्यू दिया गया है ना 9 into 2, 9 into 2 अपॉन 225 into 10 power 12 प्लस ई टू 9 into 4 अपॉन 25 into 10 power 12। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, कॉमन आप ले लीजिए 10 power 12 कॉमन ले लीजिए। चलिए ये हो जाएगा 18 upon 25, 225 प्लस 9 4 36, 36 upon 25। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 10 power 12 LCM 225 18 प्लस 9 जा है तो 9 6 54 कैरी 5, 9 3 जा 18, 18 5 23। अब इसको ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 8 और 4 12 कैरी 1 2 3 5 2 अपॉन 225 इंटू 10 power 12 न्यूटन पर कूलम। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर ये हो जाएगा, और पॉइंट ओ पर इसके पहले हम लोग निकाला 7.2 × 10 power 11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ 2 × 10 power -8 कूलम, -2 × 10 power -8 कूलम। एक चार्ज है 2 × 10 power -8 कूलम, एक दूसरा चार्ज है -2 × 10 power -8 कूलम, आर प्लेस 0.4 meter, इनके बीच की डिस्टेंस है 0.4 meter, 0.4 meter। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इन दोनों के बीच के सेंटर पर, सेंटर का मतलब यहाँ से कितनी डिस्टेंस है 0.2 meter और ये डिस्टेंस कितनी है 0.2 meter, ये डिस्टेंस है इनके बीच के। अच्छा, इस पॉइंट ओ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अब मान लीजिए ये है Q1, ये है Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मान लीजिए E1 है, कितना हो जाएगा KQ upon R square, K की वैल्यू 9 × 10 power 9, Q1 की वैल्यू 2 × 10 power -8 अपॉन आर स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ R, 0.2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 × 10 power 9, 2 × 10 power -8, 0.2 × 0.2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10 power 9, 2 × 10 power -8। अब इसको लिख दीजिए 2 × 10 power -2, क्योंकि ये हो जाएगा 2 × 10 power -1, 2 × 10 power -1, तो 2 × 10 power -2 हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.5 × यहाँ से कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 9 और 2 ऐड होगा तो 11, 11 - 8 10 power 3 न्यूटन पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1, 4.5 × 10 power 3 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या होगी E1 की, ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। चलिए E2 की वैल्यू बताइए, E2 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला KQ2 upon R square, K की वैल्यू 9 × 10 power 9, Q2 की वैल्यू 2 × 10 power -8, चार्ज सेम है ना, चार्ज सेम है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव से केवल डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, मतलब 0.2 का स्क्वायर, 0.2 × 0.2 वही सेम क्वालिटी है, तो आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आएगी 4.5 × 10 power 3 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये चार्ज किसकी वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो निगेटिव चार्ज की वजह से है, निगेटिव चार्ज की वजह की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से निगेटिव चार्ज, तो इधर की निगेटिव चार्ज की ओर जाएगी, तो निगेटिव चार्ज की ओर ये E2 हो जाएगा। E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अगर E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू
ई1 माइनस ई2 होगा कि ई1 प्लस ई2 होगा। देखिए एक पॉइंट है ई1 की डायरेक्शन ये है, ई2 की डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, ई1 प्लस ई2। अपोजिट होते तो क्या होता, ई1 माइनस ई2, जो ज़्यादा होता उसमें से कम वाले को माइनस कर देते। 4.5 इंटू 10 पावर 3 प्लस 4.5 इंटू 10 पावर 3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक जीरो इसको ख़त्म कर देगा, 45 हो जाएगा, तो 4500 या ऐसे भी लिख दीजिए आप, 10 पावर 3 कॉमन, तो 9 इंटू 10 पावर 3 मतलब हो जाएगा 9000 न्यूटन पर कूलम। इसका आंसर होगा 9000 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल डायरेक्शन मैटर करता है, अगर डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस करेंगे, और डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4Q। एक यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज कितना है प्लस 4Q, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 6A, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 6A। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइन द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अभी देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से अगर मान लें कि यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं हम निगेटिव चार्ज, ये यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो प्लस क्यू इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये प्लस क्यू इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मान लिया वो पॉइंट है पी और वो है प्लस क्यू से एक्स डिस्टेंस पर, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6A माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 6A, ये डिस्टेंस आपने कितना मान लिया एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6A माइनस एक्स। पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब है कि E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू इक्वल है। E1 क्या है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू, E2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस 4Q की वजह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। E2 की वैल्यू क्या है, सेम फार्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है 4Q ना, Q1 Q2 कर देते हैं, अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू बताइए 6A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर। अब बताइए सिंस एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयरफोर E1 इक्वल टू E2, तभी जीरो होगा, अगर E1 और E2 इक्वल नहीं होंगे तो जीरो नहीं होगा, तो E1 इक्वल टू E2, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ E1, E1 की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, E2 की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹ 4Q अपॉन 6A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है E1 की और ये वैल्यू है E2 की, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 4 अपॉन 6A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 6A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2X का होल स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, बचेगा 6A माइनस एक्स इक्वल टू 2X, उधर जाएगा माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 3X इक्वल टू 6A, तो X इक्वल टू हो जाएगा 2A, मतलब 2A डिस्टेंस जाएंगे, 2A डिस्टेंस जाएंगे, ये डिस्टेंस क्या है X है, ये डिस्टेंस कितना है 6A माइनस एक्स है, तो मतलब है कि अगर आप 2A डिस्टेंस जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है।